जगन्नाथ एंड मैं हूँ बीबू स्वामी। हम एक उत्तराखंड में कल हमने विश्वनाथ टेम्पल दर्शन कर लिए आगे हैं और ये आपने ऑलरेडी देखा होगा क्या क्या किए थे हमने टेम्पल पे और हम बहुत ज्यादा थक गए थे आगे सो गए और बहुत 3 दिन के बाद हमारा एक दिन पूरा हुआ और हम पूरी डोलो खा खा के अभी तक डोलो 650 में हम लोग बचे हैं अभी। क्या कि जो वेदर चेंज होता है ना वो एक्सट्रीम वेदर से नॉर्मल वेदर तो यहाँ पे भी ठंड है बट उतना नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है पर फिर भी हम लोग को थोड़ा फीवर जैसा फीवर है, सुनू की थोड़ा तबीयत खराब है। जो शू पहन के गई थी तो शू बाइट्स दोनों पैर में है। तो अभी टाइम है अभी विश्वनाथ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गोविंद घाट। यस, और हमारा यात्रा जो है बद्रीनाथ के लिए शुरू करते हैं यहाँ से। जय बाबा बद्रीनाथ की जय। Wash down the bitter taste. Chaos is drowning out the melodies that we used to sing. Harmony that we used to bring. Those waves will come crashing down. Time will shake the ground. मतलब ये वादियाँ और ये पहाड़ और ये सारा क्लाउड जितना बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन देता है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ा रील्स और फोटो उठाने के लिए और गाइस रील्स के लिए प्लीज डू चेक आउट एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग इन इंस्टाग्राम। सो प्लीज फॉलो आवर इंस्टाग्राम टू चेक आउट ऑल द वीडियोस ऑफ केदारनाथ ट्रिप। या स्टे ट्यून्ड। ये है आलू भाजी और ये है कॉफ़ी। ओके, और ये है हम लोग। सो अभी हम लोग थोड़ी दूर आने के बाद ये जो जगह आपको मिलेगा ये है मारवाड़ी पुल, ये जगह को बोलते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज है तो जो अलकानंदा रिवर है उससे एग्जैक्टली उसके ऊपर पुल बना हुआ है। सो ये जो भैया का दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे आप आ सकते हैं गाड़ी पार्क करके आराम से कुछ तो स्नैक्स करके, आलू भाजी और ब्रेड चॉप, यहाँ पे ब्रेड चॉप, चाय, कॉफी, कॉफी, तो ये सारे चीज मिलता है। तो ये जो भैया है यहाँ पे चाय दे रहे हैं, यहाँ पे आके आप चाय का आनंद ले सकते। सो अभी 9:30 हो गया है और हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट में और अभी हम लोग अनलोड कर रहे हैं हमारा सामान और ये है हमारा होटल और होटल का डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर स्क्रीन में अपडेट कर देंगे। और अगर आपको यहाँ पर रहना है गोविंद घाट में तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पहले से ही बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर होटल के सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पर अलकानंद नदी जा रही है तो नदी का आवाज़ भी आ रहा है धीरे धीरे और ये बिल्कुल मेन रोड में है जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारी गाड़ी अभी जा रही है। तो अभी हम जल्दी से होटल के अंदर जाएंगे और फ्रेश होंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग, एंड मैं हूं बिबू। कुल्लू अंदर है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। कुल्लू की बर्थडे हम लोग ने सेलिब्रेट किया कल नाइट पे, यहाँ पे पहुँचते ही ये है गोविंद घाट, और अभी चलते हैं कुल्लू को फिर से विश कर लेते हैं कुल्लू की बर्थडे। सो कुल्लू, हेलो कुन्नू, विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, वेलकम, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। ओके, मैं ये बोल रहा था कि इंट्रो दे दिया, फिर साइड में देखा तो तुम नहीं थे, तो मैं बोला रे रे तो अंदर जाके बुलाना पड़ेगा। सो लेट्स इंट्रो वन मोर टाइम। Hello everyone, welcome to our channel Entertainment Lovers Vlog. मैं हूँ लिप्सा एंड मैं हूँ बिबू। तो आज हम है गौरी को, सॉरी गौरीकुंड को याद ही नहीं गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज फिलहाल हम है गोविंद घाट में, और हम लोग जैसे आपने रात को ऑलरेडी देख चुके होंगे कैसे आए थे यहाँ पर, कैसे पहुँचे, और यहाँ पर मैंने होटल आपको दिखाया गया था कि क्या है, कहाँ रह रहे। और गाइस, इसका जो फ्रंट ब्यूटीफुल व्यू है, रात में अपडेट किया था, अभी मॉर्निंग का आपको दिखाएंगे। इट्स अमेजिंग व्यू ना। यस, इट्स रियली अमेजिंग। और यहाँ पर फिलहाल हम लोग गए हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, और गाइस थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, बट ठंड को कंपेयर करें तो उत्तराखंड से जो केदारनाथ और केदारनाथ से थोड़ा कम है, बिकॉज अभी हम लोग 21 किलोमीटर पहले दूरी में है, अभी पहुँचे नहीं है हम लोग। वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ठंडा स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आइस बर्फ पूरा रहता है पहाड़ों में। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे गोविंद घाट टू बद्रीनाथ, जो कि आई थिंक 1 घंटा लगेगा। हाँ, यहाँ पे 1 घंटा लगेगा, 21 किलोमीटर। और ये रोड जो है बहुत डेंजरियस है, जो कि जो भी कोई आते हैं, बस हम लोग इतना बोल सकते हैं कि बाबा केदारनाथ एंड भगवान बद्रीनाथ की कृपा से सभी का यात्रा मंगलमय हो और अच्छे से आके जाए। ये बहुत डेंजरियस घाट रास्ता है। आज का ब्लॉग रहेगा रिलेटेड टू ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर बद्रीनाथ। सो बद्रीनाथ का तैयारी करते हैं और घूमने चलते हैं बद्रीनाथ विद एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। यस, बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधिया, मानाश्च भद्रं भजता दधौषजे, आवेशतां नो मतिराप्य हैतुकी। देवभूमि बद्रीनाथ में आप सभी का स्वागत है। सो फिलहाल कार पार्किंग हो गया है हमारा ट्रैवल देयर, अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे पार्किंग एरिया से मंदिर कितना दूर है। yes. तो और साथ ही साथ बताएंगे बद्रीनाथ में क्या है, कि किस लिए बद्रीनाथ फेमस है। और सबसे पहले बता दो, ये तो सबको हर किसी को पता है कि बद्रीनाथ चार धाम में एक धाम है, इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। सो हर कोई मतलब आते हैं यहाँ पर, और भगवान विष्णु जी और शिव जी यहाँ पर विराजमान है। तो अभी देरी ना करके हम जल्दी जल्दी नीचे की तरफ चलते हैं और मंदिर दर्शन करते हैं। तो वहाँ से पार करके आने के बाद ये नहीं लग रहा है, इस साइड और उस साइड रास्ता है, तो अब यहाँ से आते हो तो इस साइड से आपको मंदिर जाना पड़ेगा। तो अभी इसी साइड से हम मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने।
दिख रहा है और मंदिर हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ जी की। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस 200 मीटर है वहाँ से पार्किंग से यहाँ तक। तो ये ब्रिज के अंदर चल के हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। भगवान विष्णु का तुलसी बहुत ही फेवरेट है और उनका कभी भी भोग में तुलसी लगता है, तो इसीलिए हम तुलसी का माला ले रहे हैं। तो फिलहाल हमारा रेडी हो गया और इसको ऐसे ही पकड़ते हैं। थैंक यू। तो चलिए अभी हमारा प्रसाद के लिए रेडी हो गया है, अभी हम चलेंगे अंदर। ये लक्ष्मी यंत्र है ना? हाँ जी, लक्ष्मी पाद और ये लक्ष्मी यंत्र, हाँ। लक्ष्मी माता और ये लक्ष्मी का। जी जी जी। अभी हम लोग प्रसाद लेके आ गए हैं भगवान के लिए और हम लोग जा रहे हैं, जो लाइन है हम लोग को पूरा लाइन में खड़े रह के ही दर्शन करना है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं पूरा। ऑलमोस्ट हम लोग ये सुने कि 3 किलोमीटर्स लाइन चल रही है अभी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे आगे और फिर देखते हैं कितना लंबा लाइन है, उसी हिसाब से हम लोग आएंगे। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? फिलहाल तो बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर है, देखते हैं जाने का पता चलेगा। ये जो लाइन है बद्रीनाथ मंदिर के लिए, ये पूरा ऐसे होके पूरा जाता है मंदिर तक, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आप पकड़ लीजिए। सो अभी बट बीच बीच में आपको खाने का और पानी ये सब व्यवस्था है, जैसे कि अभी कुन्नू मैगी खा रही है, तो ये सब व्यवस्था है, आप आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसा हवा, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो उतना धूप का भी ये नहीं लग रहा है ज़्यादा, मतलब आराम से धीरे धीरे चल के अगर आपको प्यास लगे तो पानी खाना अवेलेबल है, तो वो सब लेते हुए आप धीरे धीरे आगे जा सकते हो। बट यही है कि आपको दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेशेंस से आप आराम से ये सीन वो व्यू जो भी है एंजॉय करते करते आप जा सकते हो। और आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे अलकानंद नदी आप देख रहे हो बह रही है, बहुत अच्छे से खूबसूरत व्यू है। तो ऐसे व्यू को एंजॉय करते हुए हम मैगी खाते हुए चलेंगे बद्रीनाथ के पास। तो हम लोग 11 बजे ऑलमोस्ट मंदिर के पास आए एंड देन हम लोग ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है हमारा पीछे, बहुत बड़ा लंबा लाइन। सो 2 बज रहे फिर भी हम लोग ने मंदिर के पास नहीं पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स अभी हो चुका है, देखते हैं अभी और कितना आवर लगेगा। सब लोग आराम से एक ही लाइन पे खड़े होकर जा रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा हो रहा है, लोग आके अंदर घुस रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारा हाल है, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, हमने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लाए क्योंकि आने के टाइम में धूप था, फिर सड़े मौसम चेंज हो गया, फिर अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हवा चल रहा है। तो इसीलिए आप जब भी आते हो, चाहे धूप हो, साथ में आप गर्म कपड़ा पहन के आए या फिर लेके आइए, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं चलना।
बहुत दूर लाइन में लगने के बाद, जस्ट बिफोर डोर क्लोज होने के बाद हम लोगों का दर्शन हो गया। सो अभी आप देख सकते हो डोर क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, 2:30 को डोर क्लोज होता है। सो हम लगभग 2:10 तक अंदर घुस चुके थे, तो हम अंदर जाके अच्छे से दर्शन करके आ गए। सो यहाँ से नीचे होते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी, और नीचे तप्त कुंड है। और ऐसा माना जाता है कि इतना सर्दी में भी यहाँ पर तप्त कुंड का पानी बहुत गर्म होता है, जिसलिए सारा श्रद्धालु जब भी यहाँ पर आते हैं पहले तप्त कुंड में नहाते हैं, फिर जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए।